माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती जा रही है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पैक लेकर आई हूँ, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, हमारी स्किन ब्लैक भी होती रहती है। कई लोगों की स्किन पे क्या होता है कि स्किन जो है ना विंटर्स में ब्लैक होती जाती है, कालापन आता जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ड्राइनेस को दूर करने के लिए इंस्टेंट हम कैसे अपने चेहरे पे निखार ला सकते हैं, ऐसा हम क्या लगाएं, वो मैं आज आपको इस रेमेडी में बताऊंगी। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल शाइनिंग रूबल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ उस पर कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस और ऐसे ही लेकर आती हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो गाइस, हमने रॉ पोटैटो से, कच्चे आलू से तो मैंने पहले भी वीडियोस बहुत बनाई हुई है, लेकिन आज मैं आपको जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो ये है कि हम अपनी स्किन पे, ये आपने सुना भी नहीं होगा, आज हम जो है अपनी स्किन पे निखार एकदम कैसे लेके आ सकते हैं, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। गाइस, बॉइल्ड पोटैटो, जो हम आलू उबालते हैं, जिसके हम आलू के पराठे या चीजें बनाते हैं, उससे भी आप अपनी स्किन पे निखार लेकर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है पहले एक क्लीन बाउल, जो आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। अब हम लेंगे एक बॉइल्ड पोटैटो, ये मैंने आलू लेके इसको छील लिया है। इसको हमने क्यों लिया है, पोटैटो जो होता है आलू में स्किन को टाइटन, ब्राइटन, और जो सन से हमारी ब्लैकनेस आ जाती है, टैनिंग आ जाती है, वो भी इसको इंस्टेंट रिमूव करेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के जो है भरपूर मात्रा में तत्व होते हैं, और इसमें विटामिन सी भी होता है, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को टाइटन और ब्राइटन करेगा। अब हमें क्या करना है, हम पहले अपने पोटैटो को, जो हमने आलू ले रखा है, उसको हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल इसको हमें मैश कर देना है, बिल्कुल भी मोटा मोटा ना रहे ये। ये हमारा हो गया आलू बिल्कुल मैश, हमने एक आलू को लेके अच्छे से मैश कर लिया। अब हमें इसमें क्या डालना है, सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा राइस फ्लावर, चावल का आटा। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बहुत बता चुकी हूँ, ये भी स्किन को टाइटन करता है, ब्राइटन करता है, हमारी जो साइन ऑफ एजिंग है, जो रिंकल्स आ जाते हैं समय से पहले, वो भी नहीं आएंगे। एक चम्मच भर के मैंने ले लिया यहाँ पे चावल का आटा, चावल का आटा ले लिया। अब हमें इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए हम इसमें डालेंगे रोज वाटर। रोज वाटर हम क्यों लेते हैं, ये हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अब हम इसमें लेंगे फोर्थ इंग्रेडिएंट, हम लेंगे इसमें बादाम ऑयल। अगर आपके पास बादाम ऑयल नहीं है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, उसको मेल्ट करके, क्योंकि सर्दियां हैं, जमा हुआ होता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने ले लिया 1 टी स्पून भरकर इसमें, ये ले लिया है क्योंकि हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है विंटर्स में, तो ये मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बादाम ऑयल डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम इसमें फिफ्थ इंग्रेडिएंट डालेंगे लेमन। लेमन हमारी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा, और इसमें विटामिन सी जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें 1 टी स्पून इसमें नींबू का रस ले लेना है। ये देखिए, ये 1 टी स्पून है, ये मैं इसमें डाल ले रही हूं। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, इस पैक को, जो भी हमने इसमें डाला है इसको अच्छे से आप मैश कर लो। अगर आपको थोड़ा सा अपना पैक जो है सूखा सूखा लग रहा है, तो आप इसमें रोज वाटर को ऐड करेंगे, जिससे थोड़ा सा गीला हो जाए पैक। ये सारी चीजें हमने इसमें अच्छे से मिला ली है, ये बिल्कुल ऐसा मिक्सचर बन गया है, जैसे कि पिट्ठी सी नहीं बन जाती है जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं, वैसे एक मैश होके ये ऐसे बन गया है हमारा पैक। ठीक है,
ये पैक बन गया। अब हमें क्या करना है, कोई भी फेस पैक जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका फेस जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो अब मैं अपना फेस रोज वाटर से क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए सब निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पैक जो है मोटा मोटा सा हम इसको अपने फेस पे लगाएंगे। गाइज हम इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे, ये आराम से लग जाएगा। इसको आलू को अच्छे से मैश करिएगा जिससे कि आपका आराम से पैक जो है आपके फेस पे अच्छे से फैल जाए, ये लग जाएगा। अब मैं आपको 20 मिनट्स बाद मिलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा आया है। तो गाइज पैक मेरा जो है वो सूख चुका है, 20 मिनट्स हो चुके हैं, ठंड है तो बिल्कुल पैक नहीं सूखेगा, टाइम लगेगा सूखने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। आप अपने हाथों में, पैरों में, कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसका इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए मैंने हाथ में लगा रखा है, मोटा मोटा पैक आप हटा लेंगे। थोड़ा सा गिरेगा इसलिए ध्यान से लगाइएगा, नहाने से पहले ही कर लीजिएगा आप, जब आप नहाने जाते हैं तभी लगाइएगा इसे। ये देखिए, अब मैं दिखाती हूं आपको फेस का। ये हमने मोटा मोटा हटा लिया है, ये देखिए मेरे हाथ में भी है, उससे थोड़ा सा रब कर लेंगे हम। नोज पे इसलिए कर रहे हैं, अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होंगे ना आपके यहां पे और यहां पे, रिमूव हो जाएंगे इससे। अब मैं आपको अपना फेस धो के दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट आया है। तो गाइस फेस मैंने धो लिया है, आप देख सकते हैं रिजल्ट। नोज देखिए मेरी, आपको खुद इफेक्ट पता चल जाएगा कि कैसा रिजल्ट आया है। अब हमें क्या करना है, कभी भी आप गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कभी भी आप फेस धोते ना, हल्का सा पानी अपने फेस पे रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें बादाम ऑयल जो हमने उसमें डाला था वो थोड़ी सी ड्रॉप्स लेकर अपने हाथ पे इससे थोड़ी से अपने फेस पे मसाज करनी है। हल्का सा ऑयल लिया, पाम से हल्का सा रब करके गरम किया और मसाज कर ली। थोड़े से फेशियल स्टेप जो आपको आते हैं आप कर लेना। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट इंस्टेंट कितना अच्छा आया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने जब इसको यूज किया तो इसका रिजल्ट क्या आया है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताइएगा कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको कैसे लगी। और अपना जो प्यार है ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।